यहाँ मार्केट हर दिन दोस्तों बड़े से बड़े फॉल करके अपना एक न्यू रिकॉर्ड बना रहा है। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे जुड़े हैं उनको पता है कि दोस्तों पिछले हफ्ते 5 के 5 दिन ऑप्शन चेंज का एनालिसिस जो लाइव मार्केट में देता हूँ वो लेवल सही होकर रिकॉर्ड हमने बना के रखा है। और नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई पिछले हफ्ते 5 दिन प्रॉफिट हुआ और आखिरी दिन का जो लेवल वो एक अलग टाइप का लेवल था, क्योंकि 948 पे अगर आप देखोगे दोस्तों 24,300 के लेवल पे 8 लाख पुट राइटर बैठे हैं। क्लियरली कह दिया कि 24,300 सपोर्ट है, बिलो 24,300 मोर फॉल पॉसिबल। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, द हाइप इज रियल। ऑप्शन चेन का हाइट देखिए जैसे ही दोस्तों ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया, अगला ही कैंडल पे 40 पॉइंट गिरा। उसके बाद 200 पॉइंट निफ्टी 26,300 के लेवल के नीचे फॉल किया है। जब मैंने अपडेट दिया था तब ऊपर था, अगला कैंडल ही अपडेट देने के बाद ब्रेक डाउन किया एंड दैट्स इट दोस्तों। उसके बाद कंटिन्यू फॉल हुआ है और ऐसे ही ऑप्शन चेन का एनालिसिस यार मैंने लाइक गुरुवार के दिन एक्सीलेंट काम दिया, हर दिन काम दिया है आप जाके देखिए। इसीलिए मैंने कहा कि 5 के 5 दिन जो भी मैं फ्री वाले ग्रुप पे ऐसे एनालिसिस दिया हूं हर दिन से ही हुआ है। और यार मेरे भाई कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है हम देखने वाले हैं। ओके ओके मुझे पता है आप बोलोगे कि भाई सिर्फ 2 इंडेक्स को आपने चूज किया, मतलब यार इतना बड़ा धोखा। नहीं मेरे भाई, ऑलरेडी मैं सब कुछ इंडेक्स का वीडियो डाल चुका हूँ। यार आप बोलोगे ना बैंकेक्स का वीडियो कहाँ गया, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी का वीडियो कहाँ गया, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि मार्केट डेज में दोस्तों डेली क्या होता है, 2 वीडियो आता है, 2 वीडियो डेली मैं आप सब लोगों के लिए करता हूँ यार इतने मेहनत के लिए। तो प्लीज आपके लिए मैं सब्सक्राइब ही मांगता हूं और कुछ नहीं दोस्तों। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यार प्रीवियस वाला जो वीडियो था ना मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी, मैंने बोला था मैंने हाईएस्ट लाइक टारगेट दिया था 200 का, आप लोगों ने आई थिंक उसको मजाक में लिया और मुझे ही मजाक दे दिया। मतलब सीरियसली आप लोगों ने 200 नहीं 250 लाइक ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और मैं सोचा कि यार मैं सीरियसली कहीं ना कहीं मतलब मैं सोचा भी नहीं था और लिटरली उससे कई ज्यादा आपने दिया है मुझे, तो सैल्यूट है आप लोगों को यार। 100 अब क्या मांगू मैं, 200 तो पूरा हो गया, उससे मांगने की यार थोड़ा हिम्मत नहीं है। फिर भी 130 लाइक दे दो यार, 130 लाइक टारगेट में रखता हूं। चलिए स्टार्ट करते प्लान नंबर ए बैंक निफ्टी से दोस्तों। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हो गया कल के दिन, जो कि लग रहा है अगर मार्केट फ्लैट खुला, उसके बाद अगर लाइक 51,005 का लेवल टूटा, सॉरी हाँ 51,005 का लेवल, परफेक्ट 51,005 का लेवल टूटा, उसके ऊपर अगर कल फ्लैट खुला, थोड़ा कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट किया है वो 51,005 एंड देन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया एंड देन अगेन ब्रेकआउट किया, तो डेफिनेटली दोस्तों हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और 51,178 के ऊपर कल के दिन अगर जाता है बैंक निफ्टी तो आपको अगेन एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को भी मिल सकता है। देखो रिस्की तो रहेगा क्योंकि स्टील अभी बैंक निफ्टी एक रेंज में, बहुत बड़ा रेंज बन चुका है। हर एक रीजन हर एक मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी पहला लेवल है कल के दिन, मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलना चाहिए। उसके बाद अगर 51,005 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, लेकिन 51,178 एवर 51,178 हम बाइंग की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं और भी जो अपसाइड का मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो पहला जो 51,005 का लेवल के पीछे रीजन क्या है, पीछे आके देखते हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। और ऐसा नहीं कि भाई बायसनेस ही रहेगा, हाँ हाँ बाइंग करेंगे, नहीं मैं रिवर्सल भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए 50,952 कितना बड़ा एक सपोर्ट है, आप जरा देखिए यहाँ पे एक बार कहीं ना कहीं टच किया था बैंक निफ्टी एंड देन ऊपर की तरफ मोमेंटम किया था, यहाँ पे दूसरी बार टच किया था एंड देन ऊपर की तरफ मोमेंटम किया था, यहाँ पे तीसरी बार टच किया था एंड देन ऊपर की तरफ मोमेंटम किया था। अब आते हैं 51,005 का लेवल, आप देखिए डॉट यहाँ पे टच किया था, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम लिया था। तो यार ये जो है ना ये प्रॉपर कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं एक सपोर्ट जोन था और मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका था,
और कहीं ना कहीं प्रॉपर इसको टच करके मार्केट बहुत बार ऊपर गया है। पीछे आके अगर आप देखोगे दोस्तों तो इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे भी पीछे जैसे बार बार टच होके गया था, यहाँ पे भी 51,005 लेवल को टच होके ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, जो कि आपको मतलब बॉटम डॉट बना और इतना बड़ा अपसाइड का मोमेंटम। तो ये हो गया चार बार और इसको मिला के आप कह सकते हैं कि पांच बार। उसके बाद स्टोरी पलटा दोस्तों फ्राइडे के दिन। इतना बड़ा जो सपोर्ट था ना, वो अगर आप देखोगे दोस्तों इनिशियली लाइक जो पहला हाफ है मार्केट का 945 पे, तभी टूट गया और टूट के भाई बिखर चुका है कंटिन्यू, और भी बड़ा गिरावट आया है। सो अगर कहीं ना कहीं मार्केट देखो, ये अभी कहीं ना कहीं बहुत कड़क रेजिस्टेंस बन चुका है, तो बायसनेस मत रखिएगा। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो हम बाइंग करेंगे, और प्लान बी पे मैं बताऊंगा रिवर्सल कैसे प्ले करना है। तो प्लान ए क्या है, सिंपल रखते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर और आखिरी टाइम पे अगर आप देखोगे दोस्तों एक अच्छा खासा ठीक ठाक अपमूव आया है फ्राइडे के दिन, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, ठीक ओके अपमूव आया है, पूरा रिकवर तो नहीं हुआ, बट लाइक 51,005 ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। बट और एक जो मैंने पॉइंट ऐड किया था, एवव 51,178 एवव क्यों फिर बाइंग की तरफ जाएंगे एग्रेसिवली, क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों सेम लॉजिक है। 51,135 से 51,178 अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर, ये भी एक सपोर्ट है यार, आप देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चार बार ऑलमोस्ट पांच बार कहीं ना कहीं टेस्ट हुआ, और यहाँ से ही अगर आप देखोगे दोस्तों अपसाइड का मोमेंटम आया था, और ये एक सपोर्ट था, ये भी तो खुलते ही यार टूट गया। तो बहुत दो बड़े बड़े जो सपोर्ट जोन है ना, वो फ्राइडे के दिन टूटे हैं, जो कि अब बदल चुके हैं रेजिस्टेंस में। तो अगर कल के दिन मार्केट लाइक कहीं ना कहीं फ्लो पकड़ा और ब्रेकआउट करके ऊपर गया और ये भी ब्रेकआउट कर दिया ना एबव 51,178, एंड दैट्स इट दोस्तों, उसके बाद आपको एक अगेन शॉर्ट्स कवरिंग रैली में कहना चाहूंगा देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, लेट्स गो फॉर रिवर्सल, और रिवर्सल उसका उल्टा होगा, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने का नहीं, रीजन आपको पता चल गया कि इसको मैंने क्यों अब रेजिस्टेंस जोन कह चुका हूं। तो सिंपल बात है दोस्तों, देखिए अगर मार्केट कल के दिन, आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा यार मार्केट टाइम पे, और स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो अगर कल के दिन मार्केट दोस्तों लाइक फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, उसके बाद अगर जो मैंने पहला प्लान नंबर ए का जो पहला इनिशियल लेवल था कि 50,992 से 51,005, ये अगर जोन को टच किया ना, आपको बस क्या करना है, जो दो मैंने जोन बचाया लाइक बताया उसको कहीं ना कहीं ड्रॉ करके रख लेना है। अगर इस जोन के अंदर कल के दिन फ्लैट ओपन होके एंटर किया और ब्रेकआउट नहीं किया, यहां से ही आपको लोअर लो देखने को मिल गया, मैं रिवर्सल की बात कर रहा था ना, यहां से लोअर लो देखने को मिल गया, या फिर इसको टच किया इस जोन के अंदर, या फिर मान लेते हैं चलो खुला आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड भी ले लिया और सेकंड टारगेट जो था, मतलब जो मैं कह रहा था कि 51,178 के ऊपर बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उस जोन के अंदर घुसा, यहां से भी अगर रिवर्सल देखने को मिल गया, या फिर इस जोन जो मैंने बताया यहां से एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का रिजेक्शन कैंडल दिखा, ओके एक रेड कलर का कैंडल दिखा नॉर्मली, उसी कैंडल जोन को टच करके तो उसका लो टूटते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। अगर इस जोन को टच करके एम पैटर्न बना तो भी पुट बाय कर सकते हैं। यही था दोस्तों, क्योंकि मेरे भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, आपके सामने जो है मैंने बता दिया कि भाई देखो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, और मेरा सिंपल लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था परफेक्ट, यहाँ पे जो हमने मार्क किया था ये सेकंड सपोर्ट था, और पहला सपोर्ट तो आपको बताएं लाइक 51,000 कहीं ना कहीं 5 से लेके उसके थोड़े नीचे, ठीक है। तो ये जो अब दो रेजिस्टेंस है ना, मतलब पहले तो सपोर्ट था आप देख सकते हैं, वो सपोर्ट कहीं ना कहीं टूट चुका है। तो सीधी बात है, अगर यहां से रिवर्सल आपको दिखता है इसी जोन से तो हम बाय पुट की तरफ जाएंगे, अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाते हैं तो कॉल की तरफ जाएंगे। तो बहुत फोकस रहना पड़ेगा कल के दिन मार्केट में कि मार्केट कर क्या रहे लाइक रहा है बोल के। आई थिंक मेरा प्रायोरिटी में रिवर्सल हो सकता है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है, बट कुछ भी हो सकता है यार, शॉर्ट्स कवरिंग भी हो सकता है, तो आई थिंक जो भी होगा बड़ा मोमेंट आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट्स कवरिंग होगा तो भी जितने सारे सेल कर गए हैं सबका ऐसे लिट होगा एंड देन दैट्स इट, उसके बाद सब कुछ ओवर दोस्तों, ऊपर की तरफ मार्केट छूट जाएगा जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर नीचे की तरफ आएगा तब भी सही है यार, बहुत सही है, ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करेंगे, दैट्स इट, ओके क्लियर हो गया दोस्तों। प्लान नंबर बी मेरे भाई, अगर आपको करना है प्लान नंबर बी, रिस्क लेना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा ही रिस्की रहेगा ये बाय द वे, क्योंकि मेरे भाई मैं आपके सामने ही कहीं ना कहीं लेवल ड्रॉ करके दे रहा हूँ, और यही है परफेक्टली लेवल जो मैंने आपके सामने भी ड्रॉ किया, दैट्स इट, ये एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे मैंने करेक्ट ऐसे ही ड्रॉ किया था। तो आप ध्यान से देखिए,
50,698 से 50,756। ओके, प्रॉपर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस था। यहां पे देखिए, प्रॉपर रेजिस्टेंस था दोस्तों फ्राइडे के दिन। यहां से देखिए कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया। आखिरी टाइम पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो अब ये सपोर्ट बन चुका है। जैसे अभी मैंने प्लान ए पे ही आपको बताया कि पहले सपोर्ट था बट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, इसमें फ्राइडे के दिन ही सब कुछ हुआ है। फ्राइडे के दिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो चुका था, आखिरी टाइम पे दोस्तों कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर क्लोज दिया है। सो बैंक निफ्टी अगर इस सपोर्ट के नीचे, मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होता है, गैप डाउन खुलता है, सीधा बड़े वॉल्यूम के साथ बिलो 50,698 के नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर अगर नीचे की तरफ आने लगता है, यानी कि दोस्तों लोअर लो प्राइस एक्शन दिखने लगता है, तो पुट के तरफ हम जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, यही प्लान बी था, बाकी सेम है मेरे भाई। प्लान सी सेम है जो मैंने मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्शन बताया, अगर मार्केट कल के दिन मीडियम या फिर बड़ा गैप अप खुलता है, हम पुट के तरफ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेल की तरफ है। और यहां से देखोगे तो फ्राइडे के दिन खुलते ही एग्रेसिवली सेलिंग आया है, तो यहाँ पे हर एक प्लेस पे दोस्तों न्यू फ्रेश सेलर हैं। अगर कल मार्केट मीडियम या फिर बड़ा गैप अप खुलता है, जितने भी सेलर हैं वो अटैक करने आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अगेन फॉल देखने को मिलेगा। और आखिरी टाइम पे जो भी लोग कॉल वगैरह बाय करके गए हैं, ये बाइंग मोमेंटम को देख के BTST लेके गए हैं, कल मीडियम या फिर बड़ा गैप अप खुला कोई रिस्क नहीं लेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट में आपको फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे। सो आफ्टर मीडियम या फिर बिग गैप अप क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल है उसका लो कहीं ना कहीं अगर ब्रेकडाउन हो गया तो पुट बाय करेंगे, लोअर लो बना तो पुट बाय करेंगे, या फिर एम पैटर्न बना पुट बाय करेंगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी रखते हैं। और प्लान नंबर डी दोस्तों, अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गया, चाहे मैं कह रहा हूं बड़ा गैप अप या फिर मीडियम गैप अप, 50-50 ही व्यू रहेगा, बायसनेस स्टिल नहीं रहेगा कि बाइंग के साइड बोल के। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फास्ट 50% जो व्यू है वो बाइंग साइड रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा पहला प्रायोरिटी थोड़ा सा, क्योंकि आखिरी टाइम पे अगर आप देखोगे अपसाइड का मूव आया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है दोस्तों, और बहुत सारे बायर का जो स्टॉपलस है ना वो यहाँ पे रहेगा। ये जो स्विंग आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रहेगा ये जो स्विंग आप देख रहे हैं, जहाँ से बाइंग मोमेंटम हुआ है। तो मार्केट अगर गैप डाउन वगैरह खुला, डेफिनेटली बायर मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा व्यू यही है कि मार्केट अगर कल गैप डाउन वगैरह खुला, तो डब्लू पैटर्न और हायर हाई बना, और पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा उसका हाई अगर ब्रेकआउट किया, तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। बट आफ्टर गैप डाउन में एक बात याद रखिए, ये जो आप स्विंग देख रहे हैं ना, इसको प्रॉपर फोकस में रखिए दोस्तों। अगर ये टूटा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, प्रॉपर देखिए, ध्यान से देखिए, मार्केट ने पहले एक लो ऑलरेडी लगा दिया था, वो था 11:50 के आसपास, ठीक है। एंड देन सेकेंड हाफ पे क्या हुआ, नीचे आया, ये लो को तोड़ा, यहाँ पे देखिए ये लो को तोड़ा। अगर मैं प्रॉपर आपको जोन के साथ एक्सप्लेन कर दूं, तो ये देखिए, ये एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन था, करेक्ट, और ये एक न्यू सपोर्ट जोन बना। लेकिन आपको पता है यहाँ पे हुआ क्या, आप जरा देखिए, ये एक प्रॉपर लो बना चुका था, बट मार्केट बड़ा स्मार्ट है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये लो को तोड़ दिया 230 के बाद। जितने भी लोगों, जो लोग सेलर थे, मतलब जो लोग कहीं ना कहीं यार सेल करना चाहते थे कि हाँ ये एक सपोर्ट बन गया, चलो ये सपोर्ट टूट गया तो हम सेल कर लेंगे, तो जितने भी लोगों ने सेल किया है ना, सबका कहीं ना कहीं पोजीशन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ और सबको ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला गया। देखिए कैसे दिखाया, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट मार्केट ने तोड़ा, सबको दिखाया कि मैं नीचे जाऊंगा, बट यहाँ से सीधा ऊपर खींच लिया, तो ये एक फेक ब्रेकडाउन था बेसिकली। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का भी कहीं ना कहीं SL होगा, क्योंकि यहाँ से फंसा के मार्केट को वो ऊपर खींच के लेके गए हैं। तो यार अगर ये टूट गया ना, गैप डाउन वगैरह होके लोअर लो कहीं ना कहीं बना, दैट्स इट, उसके बाद गेम ओवर दोस्तों, डाउन साइड देखने को मिलेगा। बहुत लेट हो गया यार, ऑप्शन चेन भी अभी है, निफ्टी भी अभी है, इट्स ओके। 50,854 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी, 50,854। तो यार देखो 51,000 पे कॉल राइटर अगर आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा है, 11 लाख है, तो कल के लिए क्लियर रेजिस्टेंस है, एवर 51,000 बाइंग की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ तो कोई पुट राइटर खास नहीं है, तो मैं बोल के भी कोई फायदा नहीं, दैट्स इट दोस्तों। नीचे कोई भी लेवल टूटा, मतलब टेक्निकली हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। जल्दी से निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 15 मिनट से ज़्यादा कभी वीडियो होता ही नहीं, 13-12 मिनट का होता है। तो पहला व्यू दोस्तों निफ्टी के लिए, आपको सेल वगैरह करना है
कुछ सोचना नहीं है, अगर गैप डाउन वगैरह खुला कंसोलिडेट किया और जब तक 24,073 ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक पुट बाय मत कीजिए। ये तो प्लान नंबर मैंने ए पे ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे कंटिन्यू अपसाइड, यहां पे सेम सपोर्ट बनाया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना 24,073, यहां पे बहुत सारे बायर का ऐसे लोग आ, क्योंकि यहां पे स्विंग बना के मार्केट यू बना के ऊपर उठाए, तो इसके नीचे जब तक नहीं आता बिलो 24,073 हम पुट बाय नहीं करेंगे। अगर आपको कॉल वगैरह खरीदना है जो कि रिस्की से भरा हुआ रहेगा, फिर भी अगर फ्लैट ओपन हुआ 24,225 ब्रेकआउट किया तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, और इसके पीछे कोई ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है अपसाइड की तरफ मोमेंट के आखिरी टाइम पे, बस ये एक स्विंग है। अगर फ्लैट ओपन हुआ और अबव 24,225 के ऊपर गया तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर 24,277 के ऊपर जाता है 26,277 के ऊपर, तो आपको आई थिंक ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 24,277 में ऐसा कुछ क्या है। अगर आप देखोगे पहला आता है ट्रेंड लाइन, बहुत बड़ा रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन आता है, एक बार रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन टच किया डाउनफॉल दिया, यहां पे देखेंगे दोस्तों दूसरी बार टच किया डाउनफॉल दिया, तो यार अगर गलती से ब्रेकआउट कर दिया ना तो प्रॉपर इतना बड़ा जो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है वो यही पॉइंट पे ही आ रहा है 24,277 पे, तो अगर ब्रेकआउट कर देगा तो बड़ा मूव देगा, लेकिन उलट पुलट आप कह सकते हैं, पलट भी सकता है सेम लेवल 24,277। नोट करके रखिए, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको कहा कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो बाय करेंगे बट रिवर्सल देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक वैसे ही 26,277 को अगर टच किया, यहां से आपको दिखा कि यहां ऊपर नहीं जा रहा है, यहां से लोअर लो बन रहा है, अगर आपने देखा कि भाई ठीक है यहां से अगर टच किया 24,277 यहां से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन बन रहा है तो पुट के तरफ जाएंगे। बाकी सेम है दोस्तों सब कुछ, गैप अप खुला जो भी बैंक निफ्टी में करना है वो करेंगे, आपको पता ही है सेम ही यहां पे है सेल की तरफ, और गैप डाउन खुला तो 50-50 ठीक है। अब चले जाते हैं ऑप्शन चेन पे, 24,200 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी, यहां पे आप देखोगे कॉल राइटर पुट राइटर, तो 24,200 के आसपास, हाँ 210 के आसपास क्लोज दिया है निफ्टी, तो यहां पे देखोगे तो 24,300 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 28,00,000 से ज्यादा, सो अबव 24,300 हम बाइंग की तरफ जाएंगे। नीचे की बात करूं तो 24,200 के नीचे अगर फिर से निफ्टी जाना चालू किया तो हमें कहीं ना कहीं बेयरिश ही पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे 6,00,000 पुट राइटर है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।